तला से मोहब्बत करने वालों को उसके कलाम से किस कदर मोहब्बत होती है अजीब ताल्लुक था कुरान करीम से साहब कराम का उन्हें कुरान हकीम की समझ नहीं आती थी परेशान हो जाते थे फिर कुरान हकीम नाजिल होता था साहब कराम की सोच और फिक्र हर वक्त ये होती थी कि कुरान नाजिल होना और हमने उस पर अमल करना है जब क़ुरान उतरता फ़ौर अमल करते जब किसी आयत की समझ ना आती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते उस आयत का मतलब पूछते आखरत के बारे में ईमान के बारे में अहकाम के बारे में कोई आयत नाजिल होती जिस पर अमल की समझ ना आती नबी सल्ला वसलम के पास आकर परेशानी का इजहार करते तो सहाबा की परेशानी के हल के लिए कुरआन आसमान से नाजिल होता आप उन्हें कुरान सुनाते तो उनकी परेशानी दूर हो जाती क्या ताल्लुक है आसमान से उतरने वाली वही का और साहब कराम का मिसाल के तौर पर जब ये अल्लाजी नामनु वलम यल बिसु ईमान हम निसुल अपने मसूद फरमाते हैं जब यह आयत उतरी वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ नहीं मिलाया यही लोग हैं जिनके लिए अमन है और वही हिदायत पाने वाले साहब कराम पर बहुत गरा गुजरी क्योंकि उन्होंने जुल्म को उसके आम मानों में यानी मासियत या ज्यादती पर महमूल किया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया था अयू ना ला हम में से कौन ऐसा है जिसने कभी जुल्म ना किया हो आपने उन्हें बताया यहाँ जुल्म का लफ्स अपने ख़ास मानी यानी शिर के मानी में इस्तेमाल हुआ है जैसा कि सूर्य लुकमान में आया है सईद लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया था या बोनैया ल तुश्रक बिल्ला इन न शर्क लुल नाजिम बेटा कभी शिरक न करना क्योंकि शिरक सबसे बड़ा जुल्म है सावे कराम का ईमान कैसा था कुरान की आयत सुनकर परेशान हो गए कि अगर अमन और हिदायत ही हमें ना मिली हमारा क्या बनेगा फिर वसल्लम ने जब यह आयत सुनाई तो उन्हें सुकून मिला हकीकत यह है कि जिसने जुल्म किया वो अमन वाला नहीं हो सकता और इससे मुराद है जिसने शिर किया वो अमन वाला नहीं हो सकता अल्लाह ताला हमें कुरान से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए आमीन सुम्मा आमीन